गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज आ रही? हाँ जी सर। ओके ओके। सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग में इस समय हम पढ़ रहे थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आज हम उसी की बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। दिख रही स्क्रीन? एनी स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रही ना? जी सर। ओके, तो हम जो पढ़ रहे थे डिसीजन मेकिंग, मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें से हमने पढ़ा था, वीडियो ऑफ कर लेना है। दीपक सिंह? यस सर। हाँ, वीडियो ऑफ करो। जी सर। ठीक है। यस। सिंपल इफ, और इसके अंतर्गत पढ़ा था हमने इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर तीसरा हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और चौथा होता है लैडर स्टेटमेंट, एल्स इफ। स्टेटमेंट चार प्रकार के होते हैं जिनको हमको यूज करना है, आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें से मैंने आपको पढ़ा दिया था। सिंपल इफ स्टेटमेंट सभी से बनता है, किसी को प्रॉब्लम? जितने लोग कनेक्ट हैं बन जाता बनता है। हाँ, इफ एल्स भी बनता जी। है जी। ओके, आज बात करेंगे नेस्टेड की। ठीक, नेस्टेड का सबसे पहले सेंटेक्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम सेंटेक्स यूज करते हैं नेस्टेड में। देखिए सेंटेक्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जब इफ के अंदर इफ का यूज किया जाता है, मल्टीपल कंडीशन हमको चेक करना हो तो हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ के अंदर इफ का मतलब है कि जैसे इफ
कंडीशन वन, और इसके अंदर फिर दूसरा इफ हम यूज करें, या इसका ब्रैकेट हमने यूज किया इफ का, और इसके अंदर फिर यूज करें इफ कंडीशन टू, ओके, और इसके बाद इस इफ का स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट वन, ये इफ क्लोज होगा, फिर इसका एल्स होगा, और एल्स के अंदर फिर स्टेटमेंट टू होगा, ए इसका भी एल्स क्लोज होगा। अब ये पूरा जो लिखा इफ के अंदर लिखा हमने स्टेटमेंट, वीडियो ऑफ करो आकाश, ये भी क्लोज हो जाएगा। अब इसका एल्स हमको लिखना होगा, आकाश दुबे वीडियो ऑफ कर दो, मोबाइल ऑन करके रख दिए हो, एल्स, और इसके बाद इसका स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट थ्री, ओके, और ये लास्ट वाला इफ भी यहां क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एल्स भी क्लोज होगा और ये भी क्लोज होगा। ये पूरा इसका सिंटेक्स होगा, आप देखेंगे तो इसके अंदर पूरा इफ ये लिखा हुआ है, ये इफ हुआ, ये इसका इल्स हुआ, ये इसका स्टेटमेंट हुआ, और ये इफ का हुआ, ये इसके इल्स का क्लोज हुआ, ये इफ का क्लोज हुआ, ये पूरा सिंटेक्स हुआ। नेस्टेड का ओके, सिंटैक्स में कोई दिक्कत नहीं सर? ओके, अब देखो इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, ये कंडीशन यदि ट्रू होती है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा, और ये भी कंडीशन यदि ट्रू है तो स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। अब मान के चलो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके एल्स पे जाएगा, पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स, स्टेटमेंट टू पे जाएगा, और यदि पहली कंडीशन ही फॉल्स है स्टेटमेंट थ्री पे जाएगा, ओके। अब यहां स्टेटमेंट एक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट एक्स मतलब एन कोई भी स्टेटमेंट आगे के हो सकते हैं, उसके उसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, यदि कोई भी आगे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। प्रिंस एंड प्रदीप बोलो, तुम माइक ऑन करो, प्रिंस एंड प्रदीप माइक ऑन करो, सर। हाँ हेलो, हाँ बताओ इसमें स्टेटमेंट थ्री कब प्रिंट होगा, कौन बोल रहा है, प्रिंस सर? प्रदीप, प्रिंस प्रिंस प्रिंस, हाँ बोलो जी सर, कौन सी स्टेटमेंट थ्री कब प्रिंट होगा,
सर जब वन और टू दोनों फॉल्स होंगे, जब वन और टू दोनों फॉल्स होंगे, फॉल्स होंगे, ठीक है। और प्रजीत भी है क्या? जी हाँ सर। देव हाँ जी सर। हाँ तुम बताओ क्या सर? स्टेटमेंट थ्री कब एग्जीक्यूट होगा? यस सर, कंडीशन वन लगेगी। कंडीशन वन लगेगी मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी वन की जी सर। वन भर की कि टू की? वन की ओनली वन की? नहीं वन की ओनली जी। अच्छा, सर टू से कोई मतलब नहीं सर। ओके आप कर दो माइक। आकांक्षा शुक्ला मैदान करो। आकांक्षा शुक्ला माइक ऑन करो, तुमसे बोल रहे हैं, नहीं तो हम बाहर कर देंगे। तुम जितेंद्र तुम बोलो। जितेंद्र कुमार जो भी जवाब नहीं देगा कल से कनेक्ट नहीं करने देंगे, ये बताए दे रहे। जो जवाब नहीं देगा उसको कल से कनेक्ट नहीं होने देंगे। देखो प्रदीप ने सही बोला कि पहली कंडीशन फॉल्स होने पे स्टेटमेंट थ्री मिलेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो स्टेटमेंट थ्री में पहुंच जाएगा, टू पे जाएगा ही नहीं वो। ओके तो इसका सिंटेक्स आपको लिख लेना है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले पाथ भी आज सेट कर देते हैं, जिनको नहीं मालूम है वो लोग देख लें, क्योंकि इसमें अभी नया सिस्टम है, इस पे जावा का पाथ सेट नहीं है। तो जिन लोगों को मालूम है तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम है वो पाथ सेट करना भी देख लें। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें पाथ सेट है कि नहीं है जावा का। जावा हमारे इसमें इंस्टॉल है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक फोल्डर भी बना लेते हैं जिसपे जावा प्रोग्राम रखेंगे।
अब देखिए आपको जो भी प्रोग्राम बनाना है नोटपैड में बनाइएगा। आपको मालूम है यहाँ पे हम प्रोग्राम एक बना रहे हैं क्लास, और क्लास का नाम पहला लेटर आप कैपिटल में देंगे जो भी बनाएंगे। और मान लीजिए हम नेस्टेड का बना रहे हैं, नेस्टेड इफ क्लास नेम, इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग args, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, ओपन कर्ली ब्रेक। और इसके बाद आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो आपको हो सकता है नेस्टेड का। यदि आपको एग्जांपल बनाना है तो नेस्टेड का बना सकते हैं। तो नेस्टेड का बनाने के लिए मान लीजिए ग्रेटर वैल्यू आपको निकालना है तो आप वेरिएबल ले लेंगे ए बी सी, तीन वेरिएबल हमने ले लिया और इन्हीं पे वैल्यू हम डायरेक्ट स्टोर करा देते हैं। आप इनपुट करा लीजिएगा ठीक। अब यहाँ पे सीधा आप चेक कराएंगे कंडीशन को। इफ कंडीशन सबसे पहली हमने बताया था कि सबसे पहले कंडीशन यदि चेक होगी ए बड़ा है यदि बी से, देन हमको क्या करना है फिर चेक करना है इफ ए बड़ा है यदि सी से। ओके तो प्रिंट करा देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किसको करा देंगे ए को, ए इज लार्जेस्ट। ओके इसको क्लोज किया, इफ क्लोज होगा, इफ के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका एल्स लिखेंगे हम, एल्स यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमको सी को प्रिंट कराना होगा क्योंकि फॉल्स कंडीशन पे किस पे जाएगा सी पे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर किसको करा देंगे सी को, सी इज लार्जेस्ट। ओके इसका एल्स क्लोज होगा, इसका इफ क्लोज होगा, और अगले वाले इफ पे अब जाएंगे हम। यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए ये इफ हुआ, इसके अंदर ये स्टेटमेंट आया, ये इफ हुआ, ये इसका एल्स हुआ, और एल्स के अंदर आपका ये स्टेटमेंट आया, और ये जो क्लोज हुआ ये किसका क्लोज हुआ, इफ का ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब इस इफ का एल्स भी हम बनाएंगे, तो इसका एल्स जो होगा एल्स ठीक है, तो एल्स इफ, चूंकि अभी एक कंडीशन हमको और चेक कराना है तो फिर एल्स इफ हम यूज कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैंने यहां फिर लिखा, अब हमको किसको चेक कराना है, ए बी से चेक हो गया, ए सी से चेक हो गया, लेकिन बी और सी कहीं पे चेक नहीं हुए हैं, यहां चेक करा देते हैं बी और सी को। ओके और यहां पे मैंने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पे बी लार्जेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट या अब इसकी कंडीशन भी क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, इसमें भी एल्स आ सकता है क्योंकि एल्स इफ के अंदर एल्स यूज कर सकते हैं हम। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम दे सकते हैं यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पे अब किसको देंगे सी इज लार्जेस्ट। ओके एल्स क्लोज हुआ हमारा, और यहां पे दोनों क्लास क्लोज होंगी।
क्योंकि यहाँ पे इफ क्लोज हुआ, इसके बाद दोनों क्लास, एक तो क्लास का और मेन फंक्शन का ब्रैकेट, ये क्लोज किया। अब इसको हम सेव करेंगे, जो फोल्डर हमने बनाया था उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं जावा पीआरजी के नाम से। क्लास का नाम ध्यान देना, जिस नाम से क्लास हो उसी नाम से सेव करना है। नेस्टेड इफ डॉट जावा सेव कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको चलाने के लिए अब हम जाएंगे CMD पे, यहां पे चेक करेंगे, अपने ड्राइव पे जाएंगे, हमने F ड्राइव में सेव किया है तो F ड्राइव पे हमको जाना है F। ओके, यहां पे चेक कर सकते हैं जावा पाथ हमारा सेट है कि नहीं, यानी कि नहीं है तो इसके लिए आप दो तरीके से, मैंने जावा पाथ को सेट करना बताया था, परमानेंट और टेम्परेरी भी। सेट पाथ इक्वल और उसके पाथ को कॉपी कर लाना है जावा की प्रोग्राम फाइल के अंदर। ये आप लोग परमानेंट सेट करना जानते थे, आज मैं टेम्परेरी बता रहा हूँ। परमानेंट तो सभी लोग सेट कर लेते हैं प्रॉपर्टी में जाकर एडवांस वेरिएबल को क्रिएट करके, यहां से आप इसको क्या कर लेंगे कॉपी, ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे इंटर कर देना है इस कमांड को। फिर चेक करेंगे जावा सी, ये देखिए जावा पाथ सेट हो गया आपका, चलने लगा। यानी कि एक तरीका तो आपको मालूम ही है कौन सा, जो परमानेंट एनवायरमेंट वेरिएबल से क्रिएट करके क्रिएट करते हैं। दूसरा तरीका आज मैंने पाथ सेट करना बताया, ये टेम्परेरी होगा, जब तक हम चलाएंगे तब तक रहेगा, बंद कर देंगे फिर से सेट करना पड़ेगा। लिखना है सेट पाथ और उसको कॉपी कर देना है, बस ये कमांड लिख लेना टेम्परेरी पाथ को सेट करने के लिए। और पीसी के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट करके मैंने बताया है वो तो आपका परमानेंट है ही। ओके, अब हमको अपनी फाइल को चलाना है तो यहाँ लिखेंगे हम जावा सी और फाइल नेम नेस्टेड डॉट जावा फाइल नॉट फाउंड। अच्छा, इसके अंदर एक फोल्डर है हमारा जावा पीआरजी, मालूम है उसके अंदर हमारी फाइल है जावा सी नेस्टेड डॉट जावा नेस्टेड इफ है, इफ डॉट जावा। ये देखिए हमारा फाइल रन हो गई, कोई एरर नहीं है। रन करने के लिए हम सीधा लिखेंगे जावा नेस्टेड इफ सी इज लार्जेस्ट। ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम पाथ सेट करने में, प्रोग्राम को कंपाइल करने में या रन करने में, किसी को प्रॉब्लम है? सर एक बार पाथ वाला थोड़ा दिखा दीजिए ऊपर, नोट कर लें। हाँ नोट कर लो, ये सेट पाथ सीधा लिखना है इक्वल टू और उस पाथ को कॉपी कर लाना है, ठीक है, प्रोग्राम फाइल के अंदर सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा जेडीके 12 जो वर्जन होगा अब बिन यहाँ पे रख देना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला तो बनता है ना आपसे? जी सर। हाँ, ये दूसरा तरीका हो गया पाथ सेट करने का। एक तो आप रोज चलाते ही थे उसको क्रिएट करके, और ये पहचान होती है, मैंने पहले जावा सी लिखा था पाथ सेट नहीं था तो देखिए क्या मैसेज मिला था, इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड मिला था। इसके बाद मैंने फिर जब पाथ सेट कर दिया है और जावा सी लिखा है तब देखिए क्या मिला है, यानी कि रन हो गया, उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है बता दिया उसने। ओके जी सर। आशुतोष बोल रहा है, कौन बोल रहा है? यस सर, आशुतोष सर। ठीक है, ओके, ये ओके है। और प्रोग्राम में किसी को दिक्कत इसमें, नेस्टेड इफ जो बताया मैंने, सी लार्जेस्ट है क्योंकि सी हमने बड़ी वैल्यू दिया था, फर्स्ट वैल्यू यदि मैं बड़ी कर देता हूँ, सेव करके रन करता हूँ
फर्स्ट वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मैंने फर्स्ट वैल्यू चेंज किया और यहाँ पे रन किया, ए इज लार्जेस्ट, ये देखिए वैल्यू इनपुट करते तो बनता ही है, इंटीजर वैल्यू को इनपुट करना तो बनता है कंसोल से। जी सर। हाँ तो वो आपको इनपुट कर लेना है, और कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो आज इसकी प्रैक्टिस करना, कल लेडर इफ हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ के आना, लेडर इफ का सिंटेक्स आप पढ़ के आएंगे जिससे बोलेंगे और कॉपी में लिख कर दिखाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है, तो प्रोग्राम और सिंटेक्स ये तैयार करके आना है। हाँ सर, ये बताइए मोबाइल में कोई मतलब एप्लीकेशन है जावा चलाने के लिए? मोबाइल के लिए हाँ बता देंगे, है एंड्रॉइड, उसमें सर्च कर लो ना, एंड्रॉइड जावा मिल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा जी सर, जी सर, ठीक है, तो आज आज की क्लास यही क्लोज कर रहे हैं, ओके जी सर, तो आज इतना चला लेना है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, कल लेटर इसके बारे में बात करेंगे जी सर, और ये वीडियो आपको YouTube पे भी मिलेगा, ठीक है, हम इसको अपलोड भी कर दिया करेंगे, ओके सर, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं, ओके जी सर।